हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उस पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके काम करना छोड़ दे, मान लीजिए दो व्यक्ति काम करना स्टार्ट करते हैं, दो पर्सन, और दोनों में से कोई एक काम पूरा होने से पहले ही चला जाता है काम छोड़ के, तब उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, सचिन किसी दीवार को 5 दिनों में बना सकता है और आकाश उसी दीवार को 12 दिनों में बना सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद सचिन काम करना छोड़ देता है, तो आकाश शेष दीवार को कितने दिनों में बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है हमको कि यहाँ पे देखो सचिन काम करके छोड़ के जा रहे हैं कितने दिनों बाद, 3 दिन तक। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले सचिन कितने दिनों में बना सकते हैं दीवार, 5 दिन में। आकाश उसी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो तो पता ही आपको। ठीक है, तो मैं जल्दी से एलसीएम ले लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, यहाँ 12, मैं डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 × 12। ठीक है, और ये आ गया 60। ठीक है, तो इसका मतलब 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है और ये 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब सचिन 5 दिन में करते हैं काम, तो 5 दिन में दीवार बनाते हैं, तो सचिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, जब 5 से मैंने 60 को डिवाइड किया। इसी तरह आकाश की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 को 60 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद सचिन काम करना छोड़ता है, तो दोनों मिलकर 3 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं ना, तो हम पहले दोनों को मिलकर काम कराएंगे, तो मतलब ये इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो आएगा 17। अब 3 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं ना, तो हम एफिशिएंसी इनटू कितने दिन तक काम किए, 3 दिन तक। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारा वर्क कितना हो गया, 51 यूनिट। 51 यूनिट वर्क तो कंप्लीट हो गया क्योंकि 3 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है। ठीक है, इसके बाद अब सचिन काम छोड़ के चला जाते हैं, तो देखते हैं हम, 51 यूनिट तो काम हमारा हो गया, अब बचा कितना, 9 यूनिट काम बचा है। ठीक है, अब 9 यूनिट काम बचा है, सचिन छोड़ के चले गए, अब जो बचा हुआ काम है वो आकाश ही तो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आकाश कितने दिन में करते हैं इस काम को, 9 यूनिट काम है, आकाश की एफिशियंसी 5 है, तो वर्क अपॉन आकाश की एफिशियंसी। ठीक है, यही हमारा हो गया टाइम, इतने डे में आकाश इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 1, 5 से 1 टाइम चला जाएगा और बचेगा 4/5 डेज, तो ये भी हमारा आंसर है। तो दोनों हमारे आंसर है, ये टाइम है आकाश का, जो ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, उसी सर्विसेज में डिजिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने 5 कर दिया है, इसको मैंने कर दिया है 3 और इसको मैंने कर दिया है 18। 3 कर दिया, इसको 18 कर दिया, और दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तब आपको बनाना है कि आकाश से इस दीवार को कितने दिन में बना लेगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं वहां आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात मैं और बता दूँ, आज शाम को 4 बजे एक वीडियो आएगी जो अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ हम लोग करेंगे, और वो भी ट्रिक से करेंगे, और वो भी 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तब तक देखते रहिए अमित क्लासेस। थैंक यू सो मच।